आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, जो इनिशियल रीडिंग्स है आपके बाइक के डिस्टेंस ट्रैवल मीटर में, वो आप नोट डाउन कर लें। अब आपका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए, जो आपका फ्यूल स्विच है आप उसे ऑफ पे कर दें। याद रखिए ये इनिशियली ऑन पे होता है। सो गाइज, अब फ्यूल स्विच ऑफ करने के बाद इंजन में सिर्फ 25 मिलीलीटर पेट्रोल रह गया है। फिर अब आपको क्या करना है, बाइक को राइड करना है जब तक कि वो बंद ना हो जाए, वो भी इकोनॉमी रेट के बीच में, जो इकोनॉमी रेट कंपनी डिसाइड करता है आपको उसके बीच में बाइक चलानी है। क्या आपको इस बाइक में दिख रहा है, इसमें इकोनॉमी रेट 30 से 50 के बीच में है। अब आपको ये चेक करना है कि जो बाइक आपकी इनिशियल रीडिंग से कितनी दूर चल चुकी है, फिर आपको उसे 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो गाइस, जैसे आपने देखा इस बाइक की माइलेज आई 52 किलोमीटर प्रति लीटर। अब आपको क्या करना है, फ्यूल स्विच फिर से ऑन पे कर देना है ताकि आपकी बाइक पहले जैसी हो जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।